ये रहा मेरा MI 4X का टीवी, तो आप देख सकते हो ये नेटफ्लिक्स है इसमें। तो ये अभी दिख नहीं रहा, ये इसका रिमोट है, यहाँ पे नेटफ्लिक्स लिखा हुआ है, ये मैंने दबाया तो नेटफ्लिक्स। मैं कौन सी सीरीज देखता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। मैं लास्ट किड्स ऑन द अर्थ देखता हूँ। ये मैंने देखी है बाद में है, एलेक्सा एंड केटी। इसकी थोड़ी स्टोरी ये है कि एक लड़की को कैंसर होता है और बाद में वो ठीक भी हो जाती है, वो स्टोरी है उसकी। और बाद में मैंने देखा है रिची रिच, ये पहले भी आता था टीवी शोज में, ये इंग्लिश में। बाद में मैं देखता हूँ लॉस्ट इन स्पेस, ये बहुत बढ़िया सीरीज है, आप जल्दी से जाके इसको देख सकते हो। इसमें 3 सीजन है, चौथा सीजन इसका मतलब 2 सीजन है, लास्ट सीजन इसका 2021 में आने वाला है। और मैं देखता हूँ ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम, ये तो आप सबको पता ही होगा, ये तो कॉमन है। और मैं देखता हूँ मैलिबू रेस्क्यू सर्विस, और मैंने टीन टाइटन्स को, बस मैं इतनी ही चीजें अभी तक मैंने देखी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुद्राक्ष और आप देख रहे हो टेक एडवांस अनबॉक्सिंग। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ फैक्ट्स, मतलब टेक के बारे में कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ। तो अभी चलिए देखते हैं कौन से फैक्ट्स है। मैं कितने दिनों से वैसे सोच रहा था कि एक वीडियो बनाऊ वीडियो बनाऊ वीडियो बनाऊ, पर बाद में बहुत सारा ऐसा मतलब टाइम ही, मतलब टाइम तो बहुत सारा है पर भूल जाता हूँ मैं। और इसमें मेरे लैपटॉप में चार्जिंग भी नहीं था, इसलिए हो भी नहीं रहा था, इसलिए अभी भी चार्जिंग नहीं है। मैं यूज़ करता है, मैंने अभी यूज़ किया था, इसलिए अभी चार्जिंग भी रख के करना पड़ता है, क्या करें। तो जो पहले मतलब मैं न्यूज़ बोलूँगा, मतलब आदत है सब जो पहले ही न्यूज़ निकल के आती है, तो फिर जो पहली न्यूज़ निकल के आती है वो है सैमसंग की तरफ से। क्या आप सबको पता है कि सैमसंग जितना प्रॉफिट अपने फोन सेल्स में नहीं करता, उससे ज़्यादा प्रॉफिट वो करता है आईफोन्स पे, मतलब आईफोन्स बिकता है तो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी मतलब कोई मतलब सैमसंग अपने फ़ोन बेचता है वो तो सबको पता है, एप्पल्स अपने फ़ोन बेचता है ये भी सबको पता है, तो फिर बाद जो अपने पार्ट्स होते हैं जैसे कि डिस्प्ले, बाद में मेमोरी कार्ड, ये सब सैमसंग प्रोवाइड करता है एप्पल को, इसलिए उससे ज़्यादा प्रॉफिट जितना सैमसंग को अपने फ़ोन से नहीं होता, उससे ज़्यादा प्रॉफिट जब एप्पल का फ़ोन बिकता है उससे होता है। अगली जो न्यूज़ निकल के आती है वो है कि आप अपना चार्जर, मतलब ये बात कर रहे हो अभी कि आप अपना फोन कब यूज करते हो और क्यों यूज करते हो। तो जो 50% लोग होते हैं वो गेमिंग के लिए यूज करते हैं अपना फोन, मतलब पूरे दिन बस पबजी, फ्री फायर या फिर कोई और गेम ले लो, उसमें पूरा दिन गेम खेलते हैं। जो बाद में 30% लोग होते हैं वो सोशल मीडिया यूज करते हैं, स्वाइप अप स्वाइप अप स्वाइप अप सीधा। और जो 20% बचे वो और मतलब और कुछ यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टिकटॉक यूज करते हैं, बाद में कुछ मतलब कोई और ऐप यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग मतलब टच स्क्रीन फोन भी नहीं होता, कुछ लोग मतलब ऐसे फोन्स के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग मतलब जो 20% रहा वो उसमें बच गया। तो अभी सब लोग ऐसे घर पे बैठे हैं तो सब लोग पबजी खेल रहे हैं, जो पबजी लवर्स हैं, जो फ्री फायर लवर्स हैं, इसलिए 50% लोग वैसे भी पूरे दिन वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों को मतलब वो पहले भी घर पे पबजी खेलते थे और अभी भी घर पे पबजी खेलते हैं। अगला जो वो न्यूज़ है वो है कुछ लोग अपना फोन 3 दिन में एक बार चार्ज करते हैं, कुछ लोग 1 दिन में एक बार चार्ज करते हैं, और कुछ लोग 1 दिन में ही 3-4 बार चार्ज कर लेते हैं।
तो ऐसा भी आप आपको एक मस्त सा फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि पूरे ईयर में आप जो फोन चार्ज करते हो, मतलब ले लो एग्जांपल कि एक बार दिन में चार्ज करते हो, तो आप कितना इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हो, मतलब कितने मनी की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हो, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पूरे दिन में एक बार अपना फोन चार्ज करते हो तो आप वन ईयर पे 100 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हो फोन को चार्ज करने में। और अगर आप 2-3-4 बार करते हो दिन में, तो फिर आप अपने हिसाब से सोच लो आप कितना चार्ज कितना होता है आपका। अगली जो न्यूज निकल के आती है वो है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फोन, नोकिया 374 नहीं है, नोकिया है नहीं, वो फोन है सोनिम का XP3304 मॉडल। सोनिम का एक फोन है, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम मिला है उसको, मतलब उसको 8 फ्लोर से नीचे गिराया करा तो भी उसकी डिस्प्ले, मतलब एक टच स्क्रीन फोन नहीं है, एक वो डब्लू फोन आता है वैसा है, उसकी डिस्प्ले भी ठीक है, उसका जो कार्ड है अंदर का बैटरी वो काम भी ठीक करता है, टर्न ऑफ भी नहीं, वो वैसा का वैसा ही था, मतलब 8 फ्लोर से हम जैसे कि मैं अभी बेड में बैठा हूँ तो हमारा तो बेड से भी नीचे गिर जाएगा तो अभी टूट जाएगा हमारा फोन। मेरा फोन ही अभी, मतलब मैं जो यूज करता हूँ वीडियोज मेकिंग के लिए, मैं XI यूज करता हूँ, उसके पीछे भी ग्लास है और आगे भी, मतलब ऐसा सब लोग कहते हैं कि पीछे थोड़ा ग्लास जैसा है और आगे तो ग्लास है ही, तो अगर गलती से भी नीचे गिर गया बेड पे से तो फिर वो टूट जाएगा। और इसको तो 8 फ्लोर से नीचे 8वीं मंजिल से नीचे गिरा है, तो क्या होता है आप खुद ही सोच लीजिए कितना स्ट्रॉन्गेस्ट फोन होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,